ये बात है 2019 के दिसंबर महीने की, जब ठंड कड़ाके की थी। किसी ने 3 पपीज को इतनी ठंड में एक थैली में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया था। उनमें से एक ने पहले ही दम तोड़ दिया था, लेकिन 2 पपीज अभी भी जिंदा थे और शायद इसी इंतजार में थे कि कोई उन्हें आके बचा ले। क्लिनिक लाने पे पता चला कि उनको हाइपोथर्मिया है, जिसमें अक्सर ठंड की वजह से शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा नीचे गिर जाता है। हमने उनके लिए तुरंत हीटर ऑन कर दिया और गर्म पपी मिल्क पिलाया, जिससे उनकी जान में जान आई। उनके शरीर पे टिक्स और फ्लीज भी थे, जिसको हटाने के लिए हमने नारियल तेल लगाना शुरू किया और इसी तरह उनकी खास देखभाल शुरू हो गई। टेटर और टॉट, हम उन्हें इन्हीं नाम से बुलाने लगे थे। जो और राधा ने उनकी फीडिंग की जिम्मेदारी ले ली। वो इतने छोटे थे कि उनको बॉटल से दिन में 8 बार फीड करवाना पड़ता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी माँ का दूध उन्हें नहीं मिला था। कुछ ही दिन में वो उछलने कूदने, फार्म पे दौड़ने शुरू हो गए थे और हमेशा साथ में ही दिखते थे। टेटर एंड टॉट दिन ब दिन इतने शरारती होते जा रहे थे कि कभी कभी हमें यकीन ही नहीं होता था कि ये वही पपीज हैं जो हमें अधमरी हालत में मिले थे। कनाडा से मीरा ने और कैरन ने इनकी तस्वीरें वेबसाइट पे देखे, तुरंत इनकी अडॉप्शन के लिए हमें कॉन्टेक्ट किया। हम टेटर एंड टॉट के लिए बहुत खुश थे कि उनको फाइनली एक परिवार मिलने वाला था, लेकिन शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। कंप्लीट लॉकडाउन है, एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले हर नागरिक की जांच हो रही है। उस समय कोरोना के चलते सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, इन दोनों को अगले हफ्ते भेज देंगे। लेकिन दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने हो चले थे, लेकिन टेटर और टॉट के घर जाने का ये इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार लॉकडाउन हट ही गया और फाइनली वो अपने घर के लिए रवाना हुए। टेटर अपने घर में पहुंचते ही झट से पूरी फैमिली के साथ घुल मिल गया था, लेकिन जिस घर में टॉट अडॉप्ट हुई थी उनके पास एक कैट भी थी। अनफॉर्चुनेटली टॉट उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसे एक नई फैमिली मिलने तक फॉस्टर होम जाना पड़ा। जब समांथा को ये पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने टॉट को अडॉप्ट करके उसका लंबा इंतजार खत्म करने का फैसला किया। भले ही टेटर एंड टॉट का इंतजार काफी लंबा था, लेकिन यही इंतजार एक ऐसी मंजिल में तब्दील हो गया है जहां अब उन्हें किसी और चीज का इंतजार नहीं है।